जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी वीडियो थंबनेल हमारा देख के या पूरा वीडियो बिना देखे आप ऐसा मत करिए कोई स्टॉक खरीद लें। मतलब जैसे मैंने शुरुआत की, आपने देखा जेपी एसोसिएट के बारे में आज बताने जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप जाते ही जब तक पूरा वीडियो का एनालिसिस आप ना देख लें पूरे स्टॉक का, तब तक कोई भी डिसीजन ना लिया करें, है ना। अभी तक तो खैर ऐसी कोई सूचना नहीं है मुझे, लेकिन मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ शुरू में कि पूरी जानकारी के बाद ही आप अगर चाहें तो कोई डिसीज़न लें। तो आज जिस कंपनी, जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम है जयप्रकाश एसोसिएट्स, जेपी एसोसिएट्स नाम है। और पहले हम यहाँ पे चल रहे हैं कि इनकी प्रमोटर्स की स्थिति कैसी। प्रमोटर्स के पास है 38.91% की होल्डिंग है, जिसमें इन्होंने 20% गिरवी रखे हुए हैं। और म्यूचुअल फंड्स की 20 स्कीम्स हैं इसमें। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं 65, जिनकी होल्डिंग ज़बरदस्त 9.34% के आसपास। और जो आप सबकी फेवरेट चहेती लाडली लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC भी है, उसने भी करीब करीब 3.61% के हिसाब से होल्डिंग बना रखी है। और खुदरा ग्राहक, हम और आप जैसे निवेशक, भर रखे यहाँ पे 34.72% के आसपास। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी हम आप जैसे लोग, देखिए यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज भी की हुई है इस क्वार्टर में, और FIIs ने भी यहाँ पे इंक्रीज़ की हुई है। तो इस कंपनी के बारे में पहले जान लें जो लोग नहीं जानते हों, कुछ उनकी वेबसाइट पे हम लोग विज़िट करते हैं। जेपी ग्रुप की कंपनी है और इनका जो कारोबार है, जैसे कि इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, पावर, तो दो लाइन में पढ़ देता हूँ। द जेपी ग्रुप इज 20,000 crore वेल डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल कंग्लोमरेट इन इंडिया। ओवर द डेकेड्स इट हैज़ मेंटेन इट्स सेलियंस विद लीडरशिप इन इट्स चोजन लाइन ऑफ बिजनेस। ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इंटू अपॉर्चुनिटीज हैज़ बीन द हॉलमार्क ऑफ द जेपी ग्रुप एवर सिंस इट्स इंसेप्शन 5 decades ago। द ग्रुप इज़ अ डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर। और स्किप करते हुए मैं आपको ये बता दूँ कि इनकी कंपनियां कौन कौन सी हैं। जेपी कंपनीज में है भिलाई जेपी सीमेंट, गुजरात जेपी सीमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हिमालय पुत्र एविएशन लिमिटेड, जेपी अरुणाचल पावर लिमिटेड, जेपी आसाम सीमेंट्स लिमिटेड, बोकारो जेपी सीमेंट्स लिमिटेड, हिमालयन एक्सप्रेसवे लिमिटेड, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, जेपी आगरा विकास लिमिटेड, जेपी सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो काफ़ी लंबा चौड़ा इनके काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं। फाउंडर चेयरमैन मैसेज एनीवेज और बाकी डिटेल्स बहुत सारी यहाँ पे। क्लाइंट्स भी देखिए, और कंपनीज हैं जेपी होटल्स, जेपी सीमेंट्स अंदर से सॉलिड, और जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर, यमुना एक्सप्रेसवे और जेपी होटल्स, ओके हॉस्पिटल्स। तो काफ़ी बड़ा इनका कारोबार है, काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा कि इन्होंने अपने वेबसाइट में और आप भी जानते होंगे, संभवतः आपके आसपास इनके कुछ इंडस्ट्रीज़ होंगी। स्थिति देखते हैं क्या प्राइस है, पहले कैसा था, 10 साल पहले की स्थिति देखते हैं। और पहले हम यहाँ पे देख ही चुके हैं, हम फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो रिजल्ट्स जैसे कि अभी क्वार्टर यानी 1 के तो नहीं आए हैं, आने वाले होंगे, तो दिसंबर 18 से मार्च 19 यानी Q4 के हम रिजल्ट्स देखते हैं। नेट सेल्स में यहाँ पे जंप है 13.43% की, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 60% का लॉस है। नेट प्रॉफिट में भी नेगेटिव में 250% के आसपास का लॉस है। मार्जिन में भी यहाँ पे करीब 5.5% की डाउनसाइड है। इस प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं, तो अगेन मार्च 18 से मार्च 19 में हम अगर कंपेयर कर रहे हैं, तो नेट सेल्स में तो 7.13% की अपसाइड है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 60% का लॉस है। और इंटरेस्ट भी इनका 7.69% का यहाँ पे नेगेटिव में है, और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ 350% के आसपास का नेगेटिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी, OPM में भी यहाँ 5% के आसपास का नेगेटिव है। तो रिजल्ट बहुत बेकार हैं, लोग ज़बरदस्त में भर रखे हैं, उसका भी कारण मैं बताऊंगा। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, July 12 यानी कल थी, आज है शनिवार, आज मार्केट बंद है। 12 जुलाई को 4 बजे जो इसने क्लोजिंग प्राइस थी 2.69 रुपये, यानी एक पेनी स्टॉक है, बहुत छोटा स्टॉक है।
और साल में 70 रुपये इसका हाई था, लो बनाया था 2 रुपये 45 पैसे, तो अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक मैंने एक पहाड़ नुमा इनका चार्ट खड़ा किया हुआ है 2004 से मनी कंट्रोल की साइट पे दिखा रहा है, और 2019 यानी अभी तक का। तो हम यहाँ पे देखते, जब हाई बनाया था लाइफ इसका लाइफ टाइम 340 रुपया 2008 में, तो संभवतः वही समय रहा होगा जब मार्केट क्रैश हुई थी, और लगातार यहाँ पे गिरावट होते हुए फिर यहाँ पे 2009 में संभला, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड के बाद लाल क्या बोनस भी दिया, बोनस देने के बाद फिर चलता रहा, फिर लगातार गिरावट ऊपर नीचे ऊपर, फिर अभी जाके 2 रुपये का पेनी स्टॉक बन गया है। 10 सालों में पूरा डिज़ास्टर रहा है, और रिटर्न कोई भी रिटर्न नहीं है, आप देख ही सकते हैं पैटर्न चार्ट के। यहाँ पे जो लोगों का कहना है, उनका कहना है 82% लोगों की आप ज़रूर ख़रीदें, तो मैं ऐसे लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हम डिटेल्स में देखेंगे, यहाँ पे पी वगैरह नहीं है। मार्केट कैप है 656 करोड़ की, और टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुई है 27,40,000 के आसपास। पी रेशियो कोई बात नहीं, अर्निंग पर्शन नेगेटिव में है, और प्राइस टू बुक है 0.62। डिलीवरी देखिए 48% के आसपास है। डिविडेंड नहीं पे करता, डिविडेंड इसलिए इसने कब बंद किया या पे करना वो भी हम दिखा देते हैं, कि जो कंपनी अपने निवेशकों के साथ जो यहाँ लास्ट डिविडेंड जो इन्होंने पे किया था, ये 10 जुलाई 2013 में बंद कर दिया था। 13 के बाद से फिर इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये कुछ पैसे अपने शेयर धारकों को दे भी पाए, तो इस वजह से लगातार गिरावट। और बैलेंस शीट पे अगर हम इस समय स्थिति जो उपलब्ध है, तो डेट है इन पे 5,308 करोड़ का, तो कर्ज़े पूरे गले तक भरा हुआ है कर्ज़ा इन पे, तो बहुत ज़बरदस्त कर्ज़ा है। और कंपनी का ना तो आरओई, ना तो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, ना तो आरओसीई अच्छा है, ना तो नेट सेल्स आप देख ही चुके हैं। और लोगों को अभी लग रहा है कि ये 2 रुपये की प्राइस वाला स्टॉक मल्टी बैगर बन जाएगा, और ये 100 रुपये पहुँच जाएगा और हमें अरबपति बना देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस स्टॉक को जो मैंने देखा, इसके फंडामेंटल देखे, मुझे एक रिकमेंडेशन आई थी कमेंट बॉक्स में, तो मैंने कहा कि बताना ज़रूरी है। जो लोग पेनी स्टॉक के लालच में या फिर पैसे को डबल ट्रिपल करने के चक्कर में कभी कभी गलतियां कर जाते, तो उनको थोड़ा सा अलर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे चैनल पे हैं। तो इस स्टॉक से जितनी दूरी आप बना लें, इसकी छाया भी आप पे नहीं पड़नी चाहिए, तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। इसमें आप एक शेयर भी ना लें, ये 2 रुपये 69% का है ना, उसको भी आप ना ख़रीदें। मेरी यही सलाह है कि आपका पैसा डूब जाए, क्योंकि मैं आपको रिटर्न भी दिखा चुका हूँ 10 सालों के, लेकिन आपको लिखित भी दिखा देता हूँ रिटर्न। ये देखिए, 10 साल पहले जिन्होंने 1 लाख लगाए होंगे, उनको सिर्फ 3,000 रुपये मिल रहे हैं, उनका खुद का 97,000 डूब गया। लगातार यहाँ रक्तपात मचा हुआ है, कहीं भी आपको ग्रीन निशान में नहीं, जबकि देखिए सेंसेक्स ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है। 6 मंथ तक सेंसेक्स भी आपको 50 वाला रेट रिटर्न दे रहा है 7.5% के आसपास, और 3 महीने से सेंसेक्स भी अभी डाउन है। तो इस वजह से इस स्टॉक में आप दूर रहिए, इस स्टॉक से मेरी यही सलाह है। आप इसमें बिल्कुल भी बैंक किसी भी हालत में आप ख़रीदारी नहीं कर सकते। लोग इसलिए भर रहे हैं, उनको लगता होगा, जो इनोसेंट हैं, जो फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, या जिनको लगता होगा कि अभी भी आशाएं हैं, तो लंबे समय के लिए मैं इसमें बिल्कुल भी कोई कॉल नहीं देता, शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई कॉल नहीं देता, किसी प्रकार की भी कोई कॉल नहीं देता इस स्टॉक में, जेपी एसोसिएट में, ये आप ध्यान रखें। और बस मैं यही कहना चाह रहा था, मैंने कहा अलर्ट कर दूँ अपने निवेशकों को, अपने सब्सक्राइबर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।